और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक जो बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से वो आपको बता देते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए घर पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने आज से मतदान जो है मतदान प्रक्रिया शुरू करवा दी है। तो 85 साल से ज्यादा बुजुर्गों के लिए मतदान जो है वो घर पर ही 85 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग है वो कर सकेंगे। गुरुग्राम लोकसभा में आपको बता दें 1904 बुजुर्ग मतदाता हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी मतदान प्रक्रिया शुरू रहेगी, घर पर ही मतदान वो कर सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से, जहां चुनाव आयोग ने आज से शुरू किया मतदान प्रक्रिया। ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे, 85 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए घर पर ही वोटिंग के लिए व्यवस्था की गई है। गुरुग्राम लोकसभा में 1904 बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता हैं, जिनके लिए मतदान प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर पे रहकर ही वो मतदान कर सकते, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते, क्योंकि हर एक वोट बेहद जरूरी है। ऐसे में जो असमर्थ है मतदान केंद्र तक जाने के लिए, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पेशल जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो 85 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मतदान प्रक्रिया घर पर ही शुरू की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी है, जहां आपको बता दें कि जो 85 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं और दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए घर पर ही वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जो प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 25 मई को प्रदेश में आपको बता दें कि 10 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, और ऐसे में उससे पहले जो है दिव्यांग और जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनका वोट जो है पहले ही डलवाया जाएगा, और इसके लिए उनके घर पर ही व्यवस्था की जा रही है। तो जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए ये जो घर घर जाकर मतदान प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग की तरफ से शुरू कर दी गई है आज से। तो गुरुग्राम लोकसभा में आपको बता दें कि 1904 बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता हैं।